हरियाणा सरकार ने 2200 से ज्यादा स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। वहीं अब कैथल में स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए कच्चे कर्मचारियों का दर्द सामने आया है। अपनी नौकरी की बहाली के लिए कैथल के पुराने सरकारी अस्पताल के बाहर 32 कर्मचारी शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाए। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कोरोना के दौर में अपनी जान पर खेलकर सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने जनता की सेवा की है। इनमें से कई कर्मी खुद भी संक्रमित हुए, लेकिन सरकार ने पक्की नौकरी देने की बजाय इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम ही सभी 2020 में कोरोना महामारी आई उस टाइम सभी को नौकरी पे लगाया गया था। NHM से वैकेंसी आई थी, उसमें मर्ज करने की बजाय इन्होंने अब जिस टाइम कोई अपने को अपना नहीं था, लाशों के ढेर लग रहे थे, सरकार के मंत्री संतरी सब AC रूमों में बैठकर ऑर्डर दे रहे थे कि सैंपलिंग लो, ये लो, वो खुद MLA मंत्री भी हमें इसलिए बुलाते थे घर पे कि हमारे घर से सैंपल लेके जाओ, यदि नहीं जाते तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश देते थे। तो हम सब ने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे निष्ठा भाव से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन सेवा के माध्यम से हमने पूरा तन मन और धन से कार्य किया है। और जब अब हमारी ज़रूरत ही नहीं रही तो ये कह रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया। अभी भी कई स्टेटों में, कई देशों में कोरोना अभी भी चला हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। जब सरकार को ये दिखता है कि भाई अब लोग प्रदर्शन करने शुरू करेंगे तो कोरोना को चालू कर देते हैं, और जब कहते हैं कि अब नई जरूरत रही, ये दिखता है कि शांत माहौल है, तो कहते हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जिसने अपने को खोया है उनको पता है कि कोरोना क्या चीज़ थी वास्तव में महामारी। हम ये चाहते हैं कि हमें जिस तरीके से हटाया गया है उसी तरीके से वापस लिया जाए महकमे में। और हमारी ऐसा नहीं है कि हमें कोरोना काम आता है, हम हर एक कार्य में निपुण हैं। हम जैसे LT है अपने, और जगह भी जो रूटीन के टेस्ट है वो भी कर सकते हैं। जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो कोरोना की रिपोर्ट चढ़ाने के बजाय महकमे में और जगह भी डाटा एंट्री कर सकते हैं। स्वीपर भी ऐसे एडजस्ट हो सकते हैं, अटेंडेंट भी ऐसे हो सकते हैं, स्टाफ नर्स भी हो सकते हैं, फार्मासिस्टों की भी कमी है, सभी की कमी है महकमे में। NHM में बहुत पोस्टें खाली पड़ी है, इनको NHM में मर्ज किया जाए। हम इसलिए बैठे हैं सर कि हमें कोरोना काल में लगाया गया था। मैं DO के पद पे कार्यरत हूँ और मैंने अपनी तन मन धन से देश की सेवा की है। और मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर उस टाइम पर जब कोई बाप बेटा अपने बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगाता था, उस टाइम में मैंने अपनी सेवा दी है। मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर घर से निकली थी, मैंने अपनी तन बंधन से देश की सेवा की है। मैं यही चाहती हूँ कि हमें जिस तरीके से निकाला गया है, हमें सरकार उसी तरीके से वापस अपनी सेवा पे ले और हमें रोज़गार दे। हमारा रोज़गार छीन लिया गया है और मैं इससे बहुत, मेरे हार्ट मतलब मेरे BP लो और ब्लड प्रेशर और सब कुछ होता है सर। मेरा हार्ट में भी प्रॉब्लम आई है सर, मेरे को हार्ट का साइज़ भी बढ़ गया है। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अपने बच्चे को छोड़कर नौकरी की थी और अब मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि हमें दोबारा जिस तरीके से निकाला गया है, हमें उसी तरीके से वापस लिया जाए और हमें NHM में मर्ज किया जाए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 1 अप्रैल को बिना किसी सूचना एवं पूर्व नोटिस के ठेका कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया। वहीं अब इन कर्मियों में विभाग के अधिकारियों के खिलाफ रोष है। इससे पहले साल 2021 में आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत लगे 500 से ज्यादा सपोर्टिंग स्टाफ कर्मियों को नौकरी से हटाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।